चलिए इसी तरह हम आए चित्रकूट में। इधर हम 6 मंदिर और 2 घाट पे जाएंगे और हम इधर बोट में भी जाने वाले हैं। तो चलिए देखेंगे सभी वीडियो। तो चलिए अब हम जा रहे हैं रोप वे में। दीदी की इस साइड में रोप वे है। यहाँ से आपको किधर से जाने का है? हाँ, वहाँ पे लाइन में खड़ा हो जाने का, तो गिनती करके नंबर वाइज नंबर छोड़ दे आप। हाँ, ये ऐसे जाने के बाद में ऐसे ही वापस आने का। हाँ बराबर। हाँ, आगे क्या है किसी के Thank you.
हमारा आपको सभी जगह जाने के लिए 600 से 700 रुपए जाएगा। तो इस तरह से आप एक ऑटो करके इस तरह से जा सकते हैं। तो हमने अभी एक मंदिर का दर्शन करके लिया है, इसी तरह से हम दूसरे मंदिर में जा रहे हैं। हाय, पल्लवी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। मैं हूँ पल्लवी। तो आज हम आए हैं चित्रकूट में। तो ये देखिए, इधर हम आए हैं स्फटिक के मंदिर में। तो ये देखिए, इस तरह है, इधर है अखंडर। तो इस तरह से हम इधर से जा रहे हैं। तो ऐसे ही हम चलते जाएंगे। चला आई बोलो जाऊंगा ऐसी माहिती आई तो चलिए अब हम जाएंगे श्री राम के मंदिर में। इसको स्फटिक का मंदिर बोलते हैं। तो चलिए इस तरह से हम इसके अंदर जाएंगे। मंदिर में नहीं, ये राम का मेन मंदिर है। तैयार मेन मेनू Thank you.
मैडम कुत्र भाग क्या भगवान राम सिन्हा जी जंगल में फूल लाया, पीड़ा में बैठ करके भगवान पहली बार गजरा बनाया, माता का अलंकार तभी इंद्र का रहता है कौवा का रूप बनाया और माता के परमेश्वर जब फूल बहने लगा तो भगवान ने पान मारा, कौवा फिर लोक में गया लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौवा की एक आंख देते हैं, आज भी कौवा एक आंख का कौवा एक मिनट पहले यहाँ ये भगवान का डबा पग है, दाहिने पैर का घुटन, दाहिने पैर का घुटन, जब घुटन फेंक करके भगवान ने कौवा को बांध मारा, यहाँ राम बैठा इस पत्थर में बैठने का फल है, मजाक नहीं कर रहा, यहाँ राम बैठा, यहाँ माता जानकी है, ये माता जानकी का मैं, लेकिन हम आप ध्यान से ले गए क्योंकि बहुत लोग डर रहे थे हमारे यहाँ से कुंदर नहीं, वो जो पांच कलर का झंडा वो झंडा लगा हुआ यहाँ के बड़े महाराज, बाद में एक बार यानी 24 मई जेठ गंगा दशहरा पे बेबिन डे बाद डे महाविष्णु यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ जानते हैं उसी में थोड़ा बहुत 51 रुपए 101 रुपए यज्ञ में दान लेते हैं। मैं भी अब इस रोड़े पड़ता हूँ। किंगर तंसांग है ना इस तंसांग।